now. Here I go, lightning like the sparks. Never a doubt again. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण्स लाइफ इन सऊदीया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की मेरी वीडियो शिफ्टिंग से रिलेटेड है। हमने जद्दा से रियाद वापस आए हैं और शिफ्टिंग की है, तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना दूं और आप सब लोगों से भी शेयर करूं कि किस तरह से हमने चीज़ें वगैरह पैक की, किस तरह से हमने बाहर से कुछ स्टाफ हायर किया था जिसने हमारी हेल्प की, और बहुत अच्छा स्टाफ था। और अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो ये जद्दा से थे, तो मैं इनकी डिटेल्स आप अगर पूछेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग की थी, अपने कार्टन्स, अपनी टेप्स, अपनी रैपिंग शीट सब कुछ साथ लेके आए थे, और मेरा कोई सामान इतना ख़ास टूटा भी नहीं है और इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग की। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी टूटने वाले बर्तन हैं वो मैंने पैक नहीं किए थे, वो मैंने छोड़ दिए थे। तो वो जो स्टाफ हमने हायर किया था जो शिफ्टिंग कर रहे थे, उन्होंने इसको पैक किया था। ये शिफ्टिंग ये जो रोल है ये भी वो साथ खुद ही लेके आए थे और इन्होंने पैक किया था इसमें। और ये प्लेट्स वो बहुत अच्छे तरीके से रख रख के पैक कर रहे थे कि ये टूटे ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने शिफ्टिंग की थी तो मैंने देखा था कि जो शिफ्टिंग वाले आए थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वैसे ही बर्तन रख दिए थे, और वो शिफ्टिंग में मेरे काफ़ी सारे बर्तन उसमें से टूट भी गए थे, लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा नहीं हुआ। तो ये देखें, ये शॉपर्स वगैरह में मैंने अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े और बेड शीट्स और सारा कुछ मैंने खुद ही पहले ही पैक करके रख दिया था, तो ये सारा कुछ उन्होंने पैक नहीं किया। तो उन्होंने सिर्फ किचन में थोड़े से बर्तन जो मैंने मेरे से रह गए थे, मुझसे नहीं हो पाए थे, तो वो उन्होंने पैक किए थे। तो ये देखें, ये अलमारियाँ वगैरह भी मैंने सारी यहाँ पर कर दी हैं खाली, तो अब बस उन्होंने कल को आना। We're going to McDonald's. अभी हम जा रहे हैं अंदर McDonald's में। तो अभी हम जद्दा से वाइंड अप कर रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं, उसकी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियोस शेयर करूंगी, व्लॉग्स शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने पैकिंग की या किस तरह से जो हमने हायर किए थे स्टाफ उन्होंने किस तरह से हायरिंग किस तरह से उन्होंने शिफ्टिंग की है और किस तरह से उन्होंने पैकिंग की है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करने वाली हैं, तो मैं सब हुई हुई है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ 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 चीज़ें शेयर भी करूंगी। और आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है तो अब हम खाना खाने लगे हैं। इसका नाम क्या है पूछो? What's your name? Don't cry, okay? Huda come back.
डोंट क्राई देन ओके सिल्फा बाय बाय ले जनाब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और अब स्टाफ दोबारा आ गया है। उन्होंने सिर्फ यही काम करना है कि उन्होंने ये बेड्स जो हैं बेड और साइड टेबल्स वगैरह इनको उन्होंने खोला है, खोल के मतलब उसके स्क्रूज वगैरह खोल के तो अब रैप करके और ये सारा सामान अब लोड करेंगे गाड़ियों में और ये सारा सामान लेके फिर वो लोग निकल आएंगे रात के लिए और उनको आते आते रात हो जाएगी और रास्ते में कहीं भी वो लोग स्टे कर लेंगे, रात रुकेंगे और अगले दिन सुबह पहुंचेंगे। तो ये देखिए सारा सामान निकाल निकाल के उन्होंने बाहर ला के इस तरह से रख दिया है और अब ये सारा सामान वो लोड करेंगे गाड़ियों में और देन वो लोग फिर निकल आएंगे। जब वो लोग सामान लोड कर रहे थे तो तब मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत मेहनत का काम है और ज़्यादातर ये पाकिस्तानी पठान लोग ही करते हैं यहाँ पे सऊदीया में, बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, क्या लगा रहे हैं? हेल्प चाहिए? आपको थोड़ा सा घर का टूर देती हूँ, शिफ्टिंग में क्या हाल हुआ है घर का। फाइनली इट्स डन। ओह उसमें तो यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है। इट्स ओके। इतने गैप की ये थोड़ा सा गैप आ गया है तो यहाँ पे गैप आया। घर का हाल अस्तग़फ़िरुल्लाह। कार्टन्स, बैग्स, ये हाल होता है शिफ्टिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा जो है वो आ गया है रियाद और यहाँ पर ये बेड लगा रही हैं और उसके बाद मैंने आपको घर की भी थोड़ी सी दिखाई है कि क्या हालत हुई हुई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम के साथ साथ इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में ये सेट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नहीं।